ग्रामर पोर्शन बस डिफरेंट है। अब देखो ग्रामर पोर्शन में आते हैं, सबसे पहले हम गैप फिलिंग करेंगे। अब गैप फिलिंग में क्या है, 26th जनवरी इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर इंडिया। अब देखो यहाँ पर फॉर का यूज़ क्यों हुआ है, फॉर का मतलब होता है के लिए, तो 26 जनवरी भारत के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, ठीक है। इट इज़ डैश दिस डे, इट इज़ डैश दिस डे, और डे के साथ हम जानते हैं ऑन का यूज़ लगता है, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है, इसलिए ऑन दिस डे। तो इट इज़ ऑन दिस डे दैट इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डैश 1950। जानते हो साल के नाम के पहले इन लगता है, इन 1950, इन 2020, इन 2019, तो साल के नाम के पहले इन लगता है, इतना तो आपने प्रेपोजिशन में पढ़ा ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डैश द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने अ आ ए, ये जो स्वर, ये जो लास्ट वाले जो हिंदी वाले वर्ड है ना, वो केवल पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट की जो मेन वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म में होती है। तो देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म कहाँ है, बिकेम है ना, यस, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। अब हम बात करेंगे एडिटिंग की। देखो बहुत लोग कह रहे थे कि सर हार्ड कुछ भी नहीं था, आपको बहुत कॉमन सेंस लगानी थी, अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ा होता ना तो ये पैसेज सबसे आसान था। देखो सम पॉलिटिकल थिंकर्स प्लूरल है, याद रखना सम पॉलिटिकल थिंकर्स मतलब सोचने वाले लोगों के बारे में बात हो रहा है, प्लूरल है, और इसे वर्ब भी चाहिए, प्लूरल थिंक चाहिए इसे, लेकिन यहां पर था थिंक्स, तो इसको कट करो और लिखो, सॉरी करेक्शन में भी हमने थिंक्स लिख दिया है, बाय मिस्टेक हो गया है वो, इसे थिंक ही रहने देना, ठीक है। सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट, थिंक्स काट के थिंक करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा लिबर्टी एंड इक्वलिटी कुड नॉट गो टुगेदर। अब देखो पहले ही हमने सेंटेंस में देखा कि थिंक वर्ड का यूज हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन कुड तो पास्ट टेंस में यूज होता है, यस, कुड को कट करो, कांट का यूज हम करेंगे। आगे दे थिंक दैट लिबर्टी इंप्लाइड द फ्रीडम, वे ऐसा सोचते हैं कि जो लिबर्टी है वो फ्रीडम को इंप्लाइड करती है, फिर से वही पास्ट टेंस का वर्ब यूज हुआ है, इंप्लाइड के जगह इंप्लाइस का यूज करोगे, क्योंकि लिबर्टी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। लिबर्टी इंप्लाइज द फ्रीडम टू डू वॉट वन मे लाइक टू डू, देखो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, ये मैंने रूल्स में भी बताया था, जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, टू डूइंग तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो डू करो। आगे रीअरेंजिंग और लास्ट पोर्शन है इस वीडियो का, देख लेते हैं। पहला था कि व्हेन डॉक्टर्स पेशेंट्स एज गॉड्स देयर वॉज अ टाइम कंसिडर्ड, तो हमने इसको बनाया है कि देयर वॉज अ टाइम, ये चारों तो एक साथ ही दे दिया था कि देयर वॉज अ टाइम, एक समय हुआ करता था, व्हेन जब पेशेंट्स कंसीडर्ड डॉक्टर्स एज गॉड्स, एक समय हुआ करता था जब पेशेंट्स डॉक्टर को भगवान माना करते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वॉज पार्ट ऑफ द पेशेंट्स द डॉक्टर फैमिली, तो हमने क्या बनाया है, द डॉक्टर वॉज, डॉक्टर था, पार्ट ऑफ डॉक्टर हिस्सा था, किसका हिस्सा था, द पेशेंट्स फैमिली, पेशेंट्स के परिवार का हिस्सा था, पेशेंट के फैमिली मेंबर था, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द डॉक्टर वॉज पार्ट ऑफ द पेशेंट्स फैमिली। चलो तीसरा, फॉर पेशेंट्स नाउडेज डॉक्टर वेट द, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, नाउडेज पेशेंट्स वेट फॉर द डॉक्टर, बहुत इजी था, नाउडेज मतलब इन दिनों पेशेंट्स को वेट करना पड़ता है डॉक्टर के लिए, तो नाउडेज पेशेंट्स वेट फॉर द डॉक्टर। चौथा और आखिरी हमारा इस रीअरेंजिंग का क्वेश्चन बनता है, ट्रस्ट पेशेंट्स हैव इवन टूडे देयर डॉक्टर इन, तो बनाना कहां से स्टार्ट किया हमने, इवेंट टुडे से, इवेंट टुडे पेशेंट्स हैव ट्रस्ट, आज भी पेशेंट्स मतलब कि होता है जो बीमार लोग होते हैं उनको बोल रहे हैं, आज जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रस्ट है किस पर, इन देयर डॉक्टर, फिर से सुन लो, इवेंट टुडे पेशेंट्स हैव ट्रस्ट इन देयर
डॉक्टर, तो आई थिंक खत्म हो गया होगा ये सेकेंड सेट मैंने अपलोड किया है, पहला मैंने इसके पहले अपलोड किया था, बाकी सब कुछ सेम था, बस ग्रामर पोर्शन हमारा अलग था, इसलिए उस वीडियो को भी देख लेना। और मैं उसमें लिटरेचर और ग्रामर सॉरी लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना। मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।